उस याद से कर्म ने किया। कर्म आपका सौभाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है, कर्म ही कर्म भ्रष्ट बनाता है, कर्म ही मनुष्य को शूद्र बना देता है, कर्म ही मनुष्य को देवताओं का देवता बनाता है, राजा बना देता है। तो कर्म कैसे करना, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्म योग सिखाया जाता है। नंबर वन कर्म योग है, कर्म संन्यास भी है, कर्म छोड़ना नहीं। कभी कहेंगे मुझे रोज खाना बनाने पड़ता है, मैं मुरली सुनने जाऊं, मैं योग करने जाऊं, नहीं, ये ऐसे नहीं करना। कर्म करते करते मुरली सुनते रहो। आज की दुनिया में स्वामित्व साधन है, क्या साधन है, मोबाइल में मुरली आती है, क्लास आते हैं, अच्छे बाबा के गीत आते हैं, किचन में रखो, खाना बनाते रहो, सब्जी काटते रहो, कपड़े धोते रहो, है ना, मुरली सुनते सुनते है। का मुरली तो उसको कहते हैं कर कारणे दिल, कर्म हाथों से करो, दिल में बुद्धि ज्ञान सुनते रहो। हम क्या करता हूँ आप पूछेंगे, मैं ये क्या करता हूँ, मोबाइल में रात को मुरली आती है, मुरली ऑन करता हूँ, सवेरे स्नान करते समय थैली में मोबाइल को एक थैली में डालता बाथरूम में, एक आधा घंटा का स्नान करते कोई काम नहीं, खाली मन है, तो उस समय ज्ञान का चिंतन चले। मुरली सुनते सुनते आधा घंटा स्नान किया, पता नहीं चला, मन में अच्छा चिंतन चला, कोई दूसरों का आवाज नहीं, कोई नहीं है, खाली मन को बिजी करो। खाली मन गलत अगर इधर उधर के विचार करेगा, कुछ काम नहीं कर, है ना, तो कैसे समय सफल करे। आपने कहा काम, आप झाड़ू लगाते हो, सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, माता है भाई, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हुए क्या देखना है, गाड़ी चलाना है, तो कान क्या करते हैं, कान को अच्छे अच्छे गीत दे दो, अच्छा क्लास दे दो, तो सुनते सुनते कोई एक शब्द अंदर घुस जाएगा, है ना। कर्म करो, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो लो, अनाज साफ करो, संसार में रहते हुए ग्रस्त को आप स्वर्ग बना सकते हो आज भी, कल तो स्वर्ग मिलेगा, वहां सोने का ताज मिलेगा, आज भी आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते। लेकिन ये चाहिए, लेकिन घर में अगर सभी चलते हैं, पीस ऑफ माइंड चल रहा है, गीत बज रहा है, फिल्मी गीत नहीं बजाओ, बाबा की मुरली चलते बजा करने के आवाज से बाबा का आवाज सारा दिन चल रहा है, सारा दिन में शांत, जैसे कि मधुबन में बैठे हैं, है ना, तो घर को आज आश्रम बना सकते हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मेरे संस्कार के लिए मुझे देवता बनना है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, लेकिन संस्कार कौन से है, ऐसे संस्कार लेकर के आप स्वर्ग में जा सकेंगे।